हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या कैरियर एकेडमी। आज हम लोग CHSL 22 मार्च का शिफ्ट वन का पेपर डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी अपडेट हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे या अपडेट मिलता रहे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन था द इंफोसिस प्राइज गिवेन, जो इंफोसिस प्राइज है ये प्रोफेसर यमुना कृष्णा को दिया गया, वो किस फील्ड में दिया गया। तो वो दिया गया है फिजिकल साइंस में दिया गया है। और देखिए 2017, ये 2017 का है, और 2017 में जिसको जिसको प्राइज मिला है वो सारे लोग का नाम हम लिख दिए हैं। तो इसमें हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में किसी का भी पूछा जा सकता है। अभी इस बार यमुना कृष्णा का ही पूछा गया है, और बाकी जितने लोग को मिला है वो सबका भी नाम आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल डील विद द राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी ये डील करता है आर्टिकल 14 से। ये 14 से 18 जो है ना, ये सब राइट टू इक्वालिटी के ही लिए आता है। तो देखिए 14 में राइट टू इक्वालिटी लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होता है। 15 में प्रोविजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 होता है इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 होता है अनटचबिलिटी के लिए। आर्टिकल 18 होता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस एंड हाउएवर एग्जेम्प्टेड। तो ठीक है, ये टाइटल विटल के लिए 18 होता है। तो ये आप लोग पांचों देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट में इससे कोई अलग पूछा जाए। अभी 14 पूछ लिया गया, तो हो सकता है 16 17 कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक न्यूमरिकल आया है आर रेसिस्टिविटी एल बाई ए। तो रेसिस्टिविटी डिनोट होता है एल से लेंथ होता है और ए से एरिया होता है, और सारा वैल्यू दिया हुआ है आपको। सिर्फ क्या करना है कि ये फॉर्मूला पता होगा तो आप वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आया है कि वी जी रॉय रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट। तो वी जी रॉय जो थे ये वायलिन से इंस्ट्रूमेंट है, देख रहे हैं ये क्लासिकल म्यूजिक, ये क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड है, तो इनका वायलिन से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आर्टिकल 36 to 51 इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पार्ट 4 में है। पार्ट 4 में देखिए, पार्ट 4 में आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इससे है। तो देखिए पार्ट से हर बार पार्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप सारा पार्ट जो है 24 पार्ट है इसमें, ठीक है 22 ही दिया हुआ है मगर दो और ऐड हुआ है। तो 24 पार्ट आप पूरा पार्ट याद करके जाइए, क्योंकि हर एग्जाम में एक कोई ना कोई पार्ट आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोला डायनेस्टी का फाउंडर कौन है। तो चोला डायनेस्टी का देख लीजिए फाउंडर कौन है, विजयल चोला है। और सबसे लास्ट रूलर कौन था चोला डायनेस्टी का, तो ये थे राजेंद्र चोला थर्ड। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये चोला डायनेस्टी है पूरा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि चोला डायनेस्टी जो है वो तमिलनाडु में था, मतलब सक्रिय, श्रीलंका में था, केरल साइड में थोड़ा बहुत था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नेपाल। तो नेपाल का नेपाली लैंग्वेज होता है उसको गोराखली भी बोलते हैं। वेयर इज द गौतम बुद्धा बॉर्न। तो देखिए ये लुम्बिनी, ये सबको पता है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इंडिया का रैंक कितना है। तो ये है 62, 2018 का करेंट का क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th फाइव ईयर प्लान फोकस ऑन विच फील्ड। तो ये 11वां प्लान किस चीज़ पर फोकस करता है, वो रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ पॉवर्टी रिडक्शन, मतलब कि गरीबी को घटाने में ये 11th ईयर प्लान जो था वो फोकस किया था। इसका आंसर होगा वन क्वेश्चन रिलेटेड टू सोप। अब सोप से क्वेश्चन नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिए, ताकि दूसरे को भी हेल्प मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फोर्स इज अप्लाइड व्हेन इट इज ड्रॉन इन वाटर। तो ये होता है बॉयंस फोर्स, ठीक है ये क्वेश्चन पूछा गया इस बार। अब पीछे भी SSC में क्वेश्चन रिपीट हुआ अभी इस साल, तो आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इनॉग्रेटेड दीनदयाल स्पर्श योजना। देखिए दीनदयाल योजना अलग है और दीनदयाल स्पर्श योजना अलग है। तो यहाँ स्पर्श है तो ये होगा मनोज सिन्हा, ठीक है इसका आंसर मनोज सिन्हा होगा। व्हाट इज आइसोटोप्स। तो आइसोटोप से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द डिफरेंट मास नंबर बट सेम केमिकल बिहेवियर। तो ये आपको पता चल गया कि आइसोटोप से क्वेश्चन आया है, पहले आया था कि ड्यूटोरियम का नंबर बताने के लिए। तो आइसो देखिए हाइड्रोजन का 3 होता है, ठीक है ट्राइटेरियम ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम होता है, उसी तरह कार्बन का होता है 12C 13C 14C। तो कार्बन 12 कार्बन 13 कार्बन 14 आइसोटोप्स ये देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्किटेक्चर ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो देखिए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ DNA को बोलते हैं, जैसे पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, तो उसी तरह बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ DNA को बोलते हैं। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू द MS वर्ड टैब मेनू। तो देखिए MS वर्ड में टैब मेनू
होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऑफ एन एरो, मीन्स नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए इसको करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ट्रांस हिमालय। तो देखिए इसका ऑप्शन तो नहीं पता है, मगर तीन होता है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय से तीन रिवर निकलता है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और इंदस। ये तीनों दे दिए हैं, और अब ये तीनों आप याद रखिए, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में पूछा जा सकता है ये तीनों ऑप्शन से। तो ये तीनों ट्रांस हिमालय हैं, अब ऑप्शन के अनुसार अपना देख लीजिए। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू द स्विफ्ट हेड क्वार्टर। तो स्विफ्ट हेड क्वार्टर, ये बेल्जियम होता है इसका हेड क्वार्टर। ये क्वेश्चन एक्चुअल में अच्छी तरह से पता नहीं, बस इतना पता है कि स्विफ्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हेड क्वार्टर इसका कहाँ पर है, बेल्जियम में होता है। एक क्वेश्चन आया, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, राफेल नडाल वन द विम्सडन। तो ये गलत है, राफेल नडाल नहीं जीते हैं इसको। इससे और भी बी सी स्टेटमेंट भी है जो मेरे पास नहीं है अभी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।